नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी रसिक श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गुजरे हुए दौर की यादें हैं, तराने हैं, अफसाने हैं जो आपको सुनाने हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे गुरुदत्त के दोस्त लेखक अबरार अलवी साहब को ना चाहते हुए भी बनना पड़ गया डायरेक्टर। और फिर बताऊंगा कि जब आनंद बख्शी पहली कार खरीद रहे थे तो उन्हें कार डीलर की वो कौन सी बात ऐसी चुभी कि उन्होंने मिल रहे डिस्काउंट को लेने से इनकार कर दिया। और आज बात करूंगा उस गीतकार की जिनका लिखा पहला ही गीत बहुत कामयाब रहा, सफल हुआ, इसके बावजूद आने वाले अगले 18 बरस गुजारने पड़े गुमनामी में। इसके साथ साथ आज मैं आपको उस क्रिकेटर के बारे में बताऊंगा जो नेशनल टीम में खेलने की हसरत लिए चले आए मुंबई और फिर अचानक एक नाटक में हिस्सा क्या ले लिया कि क्रिकेट तो पीछे छूट गया और शुरू हो गया फिल्मी सफर। ऐसी ही कुछ और कहानियां होंगी, किस्से, कहानियां, इनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आज के सुहाने सफर पर निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा लेखक अबरार अलवी की। गुरुदत्त की फिल्म आर पार में डायलॉग लिखकर अपना फिल्म करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने गुरुदत्त की ही मिस्टर मिसेस 55, प्यासा और कागज के फूल के डायलॉग लिखे। इसके बाद गुरुदत्त जी ने बिमल मित्र के बंगला उपन्यास पर फिल्म साहब बीबी और गुलाम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। लिखने की जिम्मेदारी एक बार फिर अबरार अलवी को दी गई। अबरार साहब ने स्क्रिप्ट तैयार की, फाइनल ड्राफ्ट गुरुदत्त को सौंप दिया। अबरार साहब उन दिनों बाहर की भी कुछ फिल्में लिख रहे थे। उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि व्यस्तता की वजह से मैं साहब बीबी और गुलाम फिल्म की शूटिंग के सेट पर नहीं रह पाऊंगा। चूंकि डायलॉग राइटर की एब्सेंस में अभिनेताओं के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी, इसलिए गुरुदत्त के कहने पर अबरार अलवी ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अपनी आवाज में 4 घंटे के स्पूल पर रिकॉर्ड करके गुरुदत्त को दे दी। वो जमाना था जब स्पूल पर रिकॉर्ड हुआ करता था। गुरुदत्त साहब अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे। एक पॉइंट पर पहुंच के उन्हें लगा कि शायद वो साहब बीबी और गुलाम का काम निर्देशन संभाल नहीं पाएंगे, ध्यान भटक जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा जैसे ही उनके मन में ख्याल आया तो उन्होंने दूसरे डायरेक्टर से बात करनी शुरू कर दी। सत्यन बोस से बात की, नितिन बोस से बात की, दोनों बहुत बड़े डायरेक्टर। लेकिन बात बनी नहीं, दोनों मसरूफ थे अपने अपने प्रोजेक्ट्स में। अचानक गुरुदत्त साहब के मन में एक विचार, आइडिया स्ट्राइक हुआ और फाइनली उन्होंने डायरेक्शन की बागडोर थमा दी अबरार अलवी साहब के हाथों में। अबरार साहब को डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो इसके लिए मेंटली तैयार थे। जब उन्होंने अपनी इनएबिलिटी बताई कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो गुरु साहब ने उनसे कह दिया, यार जैसा स्पूल पर रिकॉर्ड किया है बस वैसा ही रिकॉर्ड कर दो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, अब मरता क्या ना करता। अबरार साहब ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। फिल्म पूरी हुई, रिलीज हुई, देखी गई और लोगों ने ऐसी देखी, ऐसी चलाई कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। तो इस तरह मजबूरी में राइटर अबरार अलवी बन गए डायरेक्टर। गीतकार आनंद बख्शी पहली कार खरीद रहे थे अपने जीवन की, डिस्काउंट भी मिल रहा था, लेने से इनकार कर दिया। क्यों, ये किस्सा सुनाऊंगा आपको। लौट कर आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।